नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल पे। आप इस वीडियो का इंट्रो एंड टाइटल देखकर समझ गए होंगे आज आपके सामने मैं कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू लाने वाला हूं। चलिए बिना वक्त गवाए रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को Bangoo.com ने भेजा है फॉर रिव्यू पर्पस। चलिए करते हैं इस पैकेज का अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है इस पैकेज के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्सल का पैकिंग जबरदस्त है और उसमें से निकला ये बॉक्स। बॉक्स के ऊपर थॉर स्मार्ट हेलमेट लाइट सिस्टम 1.0 लिखा हुआ है। दोनों साइड में भी सेम लिखा है और पीछे वाला हिस्से में जो लिखा है वो पूरा चाइनीज में है, जो कि मुझे समझ में नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या है। इस बॉक्स के अंदर से निकला एक सिंथेटिक थर्मोकोल का बॉक्स, जिसके अंदर प्रोडक्ट एंड यूजर मैनुअल है। अच्छी बात यह है, इस मैनुअल का लैंग्वेज इंग्लिश है। आप देखिए दोस्तों, इस मैनुअल में इस प्रोडक्ट का डिटेल स्पेसिफिकेशन, यूज कैसे किया जाता है, सब कुछ लिखा है। और इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल इसको मैं साइड में रखता हूँ और आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये वही डिवाइस है जो आपका हेलमेट में फिट होगा। लगभग हर हेलमेट में ये फिट हो जाएगा क्योंकि ये एडजस्टेबल है। मटेरियल क्वालिटी भी बढ़िया है इस डिवाइस का। इसके साथ इस बॉक्स में मिलेगा दो एक्स्ट्रा वेलक्रो। वेलक्रो होने से ये फायदा है कि आप कभी भी इस डिवाइस को अपने हेलमेट से अलग कर पाएंगे। इसके साथ मिल जाएगा एक डेटा केबल, जिसके मदद से आप इस डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली मिलेगा एक कंट्रोलर ट्रांसमीटर यूनिट, जिसके मदद से मेन डिवाइस ऑपरेट होगा। इस यूनिट के ऊपर वायरिंग डायग्राम का इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस यूनिट को बाइक का मेन वायरिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले करते हैं इस यूनिट को अपने बाइक का वायरिंग से कनेक्ट और फिर मेन डिवाइस को अटैच करेंगे अपने हेलमेट पे। दोस्तों, ये मेरा बाइक है और इस बाइक पे ही मैं कंट्रोलर यूनिट इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले मैं ये सीट ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वायर्स है, ये वायर्स इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट का है। ये जैक बैक लाइट का है। ये जैक लेफ्ट इंडिकेटर का है और ये जैक राइट इंडिकेटर का। यहाँ पे ही इस कंट्रोलर यूनिट को इंस्टॉल करना है। यहाँ कलर कोडिंग के हिसाब से वायर दिया हुआ है। दोस्तों, मैं कंट्रोलर यूनिट का जैक को काट के कुछ इस तरह से वायर्स को रेडी कर चुका हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँ। कंट्रोलर यूनिट का ऊपर का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये जो रेड वायर है वो जाएगा ब्रेक लाइट का पॉजिटिव पोल में, ऑरेंज वायर जाएगा लेफ्ट टर्न लाइट का पॉजिटिव पोल में, ब्लू वायर जाएगा राइट टर्न लाइट का पॉजिटिव पोल में और ग्रीन वायर कनेक्ट होगा नेगेटिव ग्राउंड में। तो चलिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस कंट्रोलर डिवाइस का चार वायर को इस सेक्शन में कनेक्ट करते हैं। पहले ये रेड वायर एंड ग्रीन वायर लेंगे। रेड वायर जाएगा पॉजिटिव में एंड ग्रीन वायर जाएगा नेगेटिव में। तो दोस्तों, ये ब्रेक लाइट का जैक है, इसको पहले खोल लेता हूँ और इन दो वायर्स को कुछ इस तरह से इस जैक में डाल के इस जैक को बंद कर दे रहा हूँ। बाकी बचे दो वायर में से जो ऑरेंज वाला वायर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएगा लेफ्ट टर्न सिग्नल में। मैं इस जैक को भी ऐसे ओपन करके कुछ इस तरह से इस जैक में डाल के जैक को फिर से क्लोज कर देता हूँ। ब्लू वायर को ठीक इसी तरह राइट टर्न सिग्नल में कनेक्ट कर दूंगा।
ऐसे ये कंट्रोलर यूनिट बाइक का वायरिंग का इस हिस्से से जुड़ चुका है। अभी मैं मेन डिवाइस को ऑन करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये बटन इस डिवाइस का पावर ऑन बटन है। इस बटन को 3 सेकंड होल्ड करके रखने से ये इंडिकेटर लाइट ब्लिंक होगा और डिवाइस ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैं लेफ्ट इंडिकेटर जलाता हूँ तभी इस डिवाइस में भी लेफ्ट इंडिकेटर दिखा रहा है, और जैसे ही मैं राइट टर्न लाइट ऑन करता हूँ तो ये राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और इसी टाइम अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो इस डिवाइस का हर लाइट एक साथ ग्लो करेगा। अभी चलिए इस डिवाइस को हेलमेट में इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा हेलमेट और इसी में मैं ये डिवाइस इंस्टॉल करने वाला हूँ। हेलमेट का पीछे की तरफ कुछ इस तरह से ये डिवाइस इंस्टॉल होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बटन वाला हिस्सा है ये हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये जो दो वेलक्रो है इसका गम वाला हिस्से को ओपन कर लेना है। उसके बाद हेलमेट के पीछे सेंटर करके इसको लगा देना है। उसके बाद हेलमेट कुछ इस तरह दिखेगा। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था ये पावर बटन है। इस बटन को 3 सेकंड होल्ड करने से डिवाइस ऑन हो जाएगा और 2 बार बटन दबाने के बाद ये डिवाइस ब्लिंक मोड पे काम करना स्टार्ट कर लेगा। चलिए अंधेरे में ये डिवाइस कैसा लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा स्मार्ट हेलमेट लाइट सिस्टम को। ये एक बहुत ही काम का डिवाइस है, खास करके उन लोगों के लिए जो बाइक लेकर लॉन्ग टूर में जाते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस डिवाइस को अपने हेलमेट में जरूर लगाइए। इस डिवाइस का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू banggood.com जिन्होंने मुझे ये डिवाइस भेजा रिव्यू करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।